जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में न्यायालय परिसर में कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देश पर कोविड के रोकथाम के लिए न्यायालय के चिकित्सालय में बूस्टर डोज लगाने का कैंप लगाया गया, जिसमें जिन अधिवक्ताओं को दोनों डोज लग चुके हैं और दोनों डोज के बाद एक बूस्टर डोज लगवाना होता है, इसी उपलक्ष्य में अधिवक्ताओं और न्याय अधिकारी को बूस्टर डोज लगाया गया। उन्होंने नागरिकों एवं अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का कोविड का दोनों डोज लग चुका है और अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगा है, वह जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाकर अपने बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री तेज प्रताप तिवारी जी के निर्देशानुसार बूस्टर कोविड 19 रोकथाम के लिए जिन अधिवक्तागणों को और न्यायिक अधिकारियों को दोनों डोज लग चुके हैं, उसके अतिरिक्त एक बूस्टर डोज लगवाने का निर्देश प्राप्त हुआ है और वो आज ये 24 कक्षीय न्यायालय में स्थित चिकित्सालय में अधिवक्तागणों और न्यायिक अधिकारीगणों को बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। अभी तक 20% लोगों को लग चुका है और जिसमें 6 न्यायिक अधिकारीगणों को भी लगाया जा चुका है। अभी तक नहीं लगवाया है बूस्टर डोज, उनसे क्या जी जो अधिवक्तागण अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं वो शीघ्र बूस्टर डोज लगवा कर अपने बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित करें। जो कोविड 19 महामारी है उसको देखते हुए बूस्टर डोज लगवाना अति आवश्यक है।